नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और दोस्तों, यस बैंक के बारे में कल हो जाइए तैयार। कल जो यस बैंक का होगा, एक बड़ा गेम प्लान यहाँ पे हो सकता है। जिस प्रकार टेक्निकल चार्ट यहाँ पे बनाया गया है और जिस प्रकार यस बैंक की जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, उस लिहाज से यहाँ पे गेम प्लान यहाँ पे यस बैंक में निकल के आ सकता है। हालांकि टेक्निकल चार्ट के बारे में आपको मैंने आपको कल ही बताया था कि ये टेक्निकल चार्ट पे अगर ये 57.75 को निकालेगा तो ही अप में जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 57.75 इसने निकाला ही नहीं, टेक्निकल चार्ट का इसने फॉलो नहीं किया, रिजेक्ट हो गई कॉल। और न्यूज़ बेस पर आपको बताया था कि उछल सकता है, लेकिन न्यूज़ बेस का इस पर कोई असर नहीं हुआ। तो सकता है देखो, ये गुमराह करके वापस से न्यूज़ का अपना असर दिखा सकता है। हालांकि आपको मैंने कह रखा है हर ग्राउंड में खरीदें। रही बात देखो, यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि सर तो डेली यस बैंक के बारे में आते हैं, इसको बाय ट्रेंड पकड़ रखा है। तो ये बाय ट्रेंड जो मैंने पकड़ रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखो सेलिंग जो फ्रेशर है, मैंने आपको ये होल्डिंग का जो बताया समय वो 50 से 55 के बीच बताया है। अभी तो 50 से 55 का बीच है, वो मेरा वो अभी वो जो होल्डिंग का वो कोस्ट कोस्ट चल रहा है अभी, तो आपको कुछ लॉस ही नहीं हुआ है, ठीक है। फिर और आप 200 से लेकर बैठे हो, तब तो आप मतलब कुछ नहीं कह रहे, सब 200 से बैठे, 50 आ गया, 55 आ गया। अब 50 से 55 का तो मैंने बताया रखा, 50 से 55 का इसका बेस्ट होल्डिंग समय है। अब 50 के 55 के बीच ही घूम रहा है, 50 से 55 के बीच तो घूम रहा है। जब ये अगर 50 से 55 के बीच में 40 आ जाता है तो कितना आपको हो रहा है, सिर्फ 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो ये झटके से रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये मेन बात ये है कि आप मतलब कुछ 2-4 पॉइंट गिर जाता है तो इसमें मतलब क्या होता है, धड़कने कितनी बढ़ जाती है। जब 200 से तो ये पूरा ही गिर गया, 200 से देखें, 250 से इसका देखें या 200 से देखें, तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट गिर चुका है, तब तो आपके धड़कने बंद नहीं हुई। अब यहाँ पे कल मैंने बताया कि यस बैंक यहाँ पे भाग सकता है, न्यूज आ सकती है, वापस आ जाए, इसमें प्रॉपर्टी बुकिंग हुई है या गिर गया है, किसी भी गिरा दिया गया है, तो लोगों के यार धड़कने बंद हो जाती है। सर आप तो क्या लोगों को गुमराह करते हैं, एक तो मेरे पास कमेंट भी आए। देखो दूसरी बात, आपको जो कमेंट जो आप करते हैं ना, तो बड़ा सोच समझ के कमेंट करें, क्योंकि आप है ना फिर दोबारा क्वेश्चन पूछने लायक नहीं रहोगे यहाँ पे। दो मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी दो चार जो नेगेटिव जो कमेंट आए हैं, सर आप लोगों को गुमराह करते हैं, अरे हमें गुमराह करते हैं, तो फिर ठीक है आप दूसरे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर देखो आपको पेड लग रहा है कि पैसे आपको कमा के दे देंगे। ऐसे मार्केट न्यूज़ और दूसरे चैनल आप अपने मन से ट्रेडिंग कंपनी की तुलना कर लीजिए। अगर आप कहें कि एक मशीन है जिसमें सिक्का डालते हैं, सिक्का निकलता है, एक समझ लीजिए, ठीक है। तो आप खुद के मन से ट्रेडिंग कंपनियों के थ्रू अगर 10 बार उसमें सिक्का डालोगे तो आपके दो ही चांस ये कि 2 बार आपको सिक्के मिलेंगे, 8 बार आपके गायब हो जाएंगे। ऐसे मार्केट न्यूज़ में अगर आप 10 बार सिक्का डालते हैं ना, तो 8 बार की तो पॉसिबिलिटी है ही, 8 बार तो आपके सिक्के आएंगे, 2 बार डूब सकते हैं और 10 के 10 बार भी आपके सिक्के वापस यानी कि मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप 10 के 10 बार सिक्के बना के निकल सकता है वो, ठीक है। जिसके आज मैंने आपको दी है 10 कॉल दी है, ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा 10 कॉल दी है, 10 कॉल में से 8 कॉल 100% सक्सेसफुल, उस 1 कॉल में स्टॉप लॉस और 1 कॉल में 6 कॉल का स्टॉप 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, जिसको मैंने यानी कि 4 पॉइंट बचा लिया, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाने दिया। तो ये होता है कि यानी कि आपके पैसा नहीं जाने जाते। अब 10 में से 10 आप 10 कॉल उठा के देखो, 10 में से आपके 2 कॉल सक्सेसफुल होती है और 8 में तो आप लॉस खा जाते हो। तो ये दोस्तों देखो, ये इसको पेड़ नहीं, मार्केट को पेड़ थोड़ी है कि आपके यहाँ से भाई साहब की चलो इसमें पैसा डाला, पैसा से दुगना पैसा अपन बना के निकल जाएंगे, पैसा डाला पैसे से बिना बना के निकल जाएंगे। मार्केट में देखो यहाँ अगर ऐसा ही होता तो फिर तो सारे पैसे सबके पास पैसा है ना, सभी कमा के बैठ जाएंगे। तो टेक्निकल चार्ट में अगर आप चलते हैं तो एक दो स्टॉप लॉस भी खाने पड़ते हैं, ठीक है। एक दिन की कहें ना कि ठोकर खाए बिना अकल नहीं आती, तो ये मार्केट है, एक दो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे खाने पड़ते हैं, लेकिन उसका वो पैसा वो मार्केट ही देगा, वो पैसा मार्केट ही देगा। अब आपको एक स्टॉप लॉस मान लीजिए आपको हिट हो जाता है, उसके बाद में आप अगर काम करना बंद कर दो, क्या बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे, क्या बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। तो ये मार्केट का रूल्स है, मार्केट चलता है। मार्केट आपको अगर यहाँ पे करोड़ रुपए डुबा के बैठ जाएंगे ना, आप बोलोगे ठीक है नहीं अब मेरे करोड़ रुपए बैठ गए, तो वो आपको मार्केट नहीं देगा, रिकवर करा के नहीं देगा, ना कोई ट्रेडिंग कंपनी देगी आपको वापस पैसा, ठीक है। चाहे आप कहीं दुनिया भर के फलाना डिमका सही सेवी में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप कितने केस कर दीजिए और आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ चैलेंज करूँ, 1 रुपया नहीं देती है, क्लियर, कभी ट्रेडिंग कंपनी से 1 रुपया भी नहीं देती है, ठीक है। तो ये थोड़ा अब ये समझिए कि मार्केट का पैसा मार्केट से ही मिलेगा अगर आप उसमें काम करते रहेंगे और काम करें एक्यूरेसी के साथ। जहाँ अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी चल रही है, मैं कह रहा हूँ आपकी अगर आप 10 कॉल लेते हो डेली के माल 10 कॉल लेते हैं, 10 में से अगर आपके 8 कॉल सक्सेसफुल 9 कॉल सक्सेसफुल जा रही है, तो आप अच्छी एक्यूरेसी मान रहा हूँ उसका अच्छी एक्यूरेसी है। लेकिन आप 10 में से मान लीजिए आपके 4-5 कॉल सक्सेसफुल हो रही है और 4-5 फिट जाती है, तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो आपस में प्रॉफिट नो लॉस या लॉस में निकलोगे, और आपकी 4-5 कॉल भी नहीं जाती होगी, आप 10 में से आप 8 कॉल ही आपकी तो लॉस में जाती है, 2 कॉल प्रॉफिट में आती है। ऐसे मेरे पास 90% केसेस आते हैं, ठीक है, कि हम 10 लेते हैं, हमारी तो 8 चली जाती है लॉस में, 2 ही आती है प्रॉफिट में। चलिए यहाँ पे मैं यस बैंक की ज़्यादा देखो जानकारी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। और यस बैंक में देखो यहाँ पे न्यूज़ यहाँ ना, न्यूज़ यहाँ पे इसकी पॉजिटिव आ रही है फिलहाल। ये देखो ये गिरा है, 4% गिरा है, तो इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं है, लेकिन कल थोड़ी और गिरावट अगर जो मैं टेक्निकल चार्ट बता रहा हूँ वो ब्रेक करेगा, तो थोड़ा लोगों को गुमराह करने के लिए गिरावट आ सकती है। देखो बड़ी गिरावट भी आ जाए तो इसमें डरना नहीं है, बड़ी गिरावट आई तो इसमें देखो एवरेज ही करना है आपको, मेरी सलाह ये है कि एवरेज करना है। और जो टेक्निकल इसमें जो डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम को ब्रेक करने के बाद शेयर एक बार दो थोड़ा सा नीचे भागता है, ठीक है। तो डबल बॉटम आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, डबल बॉटम इसने बना रखा है, और डबल बॉटम इसने अगर 52.70 इसको बनाया तो 52.70, ठीक है, 52.50 को ब्रेक करता है, तो यस बैंक ध्यान रखें 49-50 के रेंज को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 49
इसका सपोर्ट था 50 के रुपए तक, इसमें से टेस्ट ये कर सकता है, ठीक है 49 ब्रेक होगा तो फिर 40-50 की 40-45 के एवरेज में आ सकता है, लेकिन अगर ये 52.50 को ब्रेक नहीं करता तो यस बैंक में ऊपर की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो एक जंप भी मार सकता है। ध्यान देंगे अगर 52.50 ब्रेक करेगा तो भी मैं आपको सेल की सलाह नहीं दूंगा, हालांकि देखो सेल जा सकता है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा इसमें एक सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है जो एक झटके से ऊपर उठने का दमखम भी दिखा सकता है, क्योंकि इसके पॉजिटिव न्यूज भी है, एक टेक्निकल चार्ट में एक बाउंस भी कभी भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज लेगा कब लेगा, लेकिन कभी भी ले सकता है। और जिन लोगों ने ये बताया कि सर ये तो आप गुमराह करते हो वो फिर गुमराह ही हो जाएंगे, देखना फिर ये आप अगर मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूँ, मेरा चैनल आप देखें जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ देखें, जो डेली आपको जो डरा रहे हैं भगा रहे हैं वहाँ देख लीजिए ना, वहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, डेली नेगेटिव न्यूज जिसमें की आ रही है ना, मैं यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव न्यूज उठाई तो ट्रू न्यूज बताइए। आज मनी कंट्रोल पर देखिए, मनी कंट्रोल खुद अचंभक आ रहा है कि यार यस बैंक के अंदर पॉजिटिव न्यूज है, यस बैंक क्यों टूटा है, तो मनी कंट्रोल इतना बड़ा जो वो उसका जो बिजनेस चैनल है, ठीक है, तो वो बना के वो बैठा है, वो खुद अचंभक आ रहा है कि यस बैंक के अंदर इन फंड राइजिंग की जो अप्रूवल इसने न्यूज दिया कि वो अप्रूवल RBI ले सकता है, ठीक है, उसके बावजूद में इसमें टूटा है 792 करोड़ इसको रिलायंस निप्पॉन के चुकाए हैं, उसके बावजूद यस बैंक टूटा है, तो मतलब ये कहना कि ये खुद वो अचंभक आ रहा है कि अच्छी पॉजिटिव न्यूज के बाद यस बैंक टूटा, तो यस बैंक का कोई गेम प्लान होता है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर गेम प्लान करके निकल जाता है, मार्केट को एक झटके से उसको गिराना है वापस, वही खरीद के जो गिराएगा मार्केट को वही खरीद लेता है, लेकिन जो डर के लोग आउट हो जाते हैं फिर वो दोबारा नहीं खरीद पाते हैं, एक ही कैंडल का खेल होता है यहाँ पे दोस्तों, एक कैंडल के अंदर मार्केट का पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ चला जाता है, ठीक है, वो एक झटके से गिराता है 50 आ जाएगा, 50 एक झटके से फटाफट 60 आ जाएगा, दोबारा अगर 50 पे एग्जिट होगी ना तो 60 पे आप दोबारा नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, तो मेरा ये कहना आप फिर भी आप मेरी वजह को मैं आपके वहाँ पर बिड लगाने नहीं आता, अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है या मैं मान रहा हूँ कि मेरी कुछ कमी हो सके तो आप दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अनाप सनाप बहुत सारी बातें मिलेगी यस बैंक के बारे में, देखना आप यस बैंक के बारे में डर डर के आपके यस बैंक से आउट ही हो जाओगे, ठीक है, दोबारा आउट हो जाएगी दोबारा इसमें आने का नाम ही नहीं लोगे, ठीक है, हो सकता है कि वो डरा रहे हैं तो अच्छी बात, अगर 40 पे आए तो देखो उनकी बात है 10 पॉइंट वो डरा डरा के आपके आपके बचा लिए, लेकिन यहाँ पे फिर आप वो 40 पे जाओगे ना तब भी आप नहीं खरीद पाओगे, एक बार यहाँ पे आपने 50 भी एग्जिट कर लिया 40 पे आ गए ना तो आपके मन में लालच क्या आएगा, नहीं तो 30 आएगा, आपके मन में लालच क्या आएगा, नहीं ये तो 30 आएगा मैं तो इसको 30 पे लूंगा 40 पे क्यों लूंगा भी, ठीक है, तो फिर वो 40 से वापस जैसे 45 चला जाएगा ना तो आप क्या सोचिए 5 मिनट पहले गवा दिया तो वापस 40 आने दीजिए, वो 45 वापस 50 चला जाता आपको कहाँ आ गया जहाँ आपने एग्जिट किया था, यहाँ तो मैंने एग्जिट किया था यहाँ तो मैं लूंगा नहीं, यहाँ तो मैंने एग्जिट किया था यहाँ तो लेने से क्या मतलब निकलेगा, इसलिए वो ऐसे करते करते वापस यस बैंक निकल जाता है हाथ से, यानी 10 पॉइंट जो आपको मौका मिला वो भी आप नहीं ले पाते हैं, ये मार्केट में मैंने देखा है कई बार, ठीक है, और कई बार देखा है ये मतलब ये ट्रू सच है कि ये लोग एग्जिट करने के बाद भी दोबारा अगर उसमें 10 पॉइंट नीचे ग्राउंड मिलती ना तो भी नहीं ले पाता, क्यों मान लीजिए आपने यस बैंक में यहाँ पे 55-50 के बीच में इसको एग्जिट करते हैं आप सोचने 40 पे अपन ले लेंगे इसको, तो आप वो पैसा ना आपके हाथ में रोक नहीं पाते हैं, आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर 40 आएगा तो आप क्या आपके दिमाग में आता है कि इसको 40 ने थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे आने दीजिए, 2 पॉइंट के चक्कर में भी ऊपर निकल जाता, अगर आपको 40 से वापस 45 चला गया ना तो भी आप नहीं ले पाओगे, नहीं 40 पे नहीं ले 45 पे कैसे लूंगा, चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको एक न्यूज़ और दिखा देता हूं जो मनी कंट्रोल पे आई है, और यही कहना है दोस्तों देखो यस बैंक के अंदर मैं ज़्यादा आपको फिर से वही बातें कि गुमराह करने वाली बातें हो जाती है, ठीक है ना, ज़्यादा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि गुमराह यहाँ पे हो, गुमराह की शिकार होना ही नहीं है, मार्केट का रूल्स है, गुमराह की शिकार अगर आप हो गए तो उसमें तो लॉस बनेगा, ठीक है, यहाँ देखो यस बैंक का ये देखो यस बैंक फॉल्स 4%, ठीक है, और यहाँ पे देखो खुद मनी कंट्रोल अचंभक आ रहा है, डिस्पाइट लैंडर्स प्लान टू राइज फंड, यानी कि फंड राइजिंग की जो न्यूज यस बैंक खुद ही दे रहा है, बैंक बोल रहा है कि मैं फंड राइजिंग फंड यानी कि बढ़ाने के लिए शेयर जो कैपिटल बढ़ाने के लिए फंड बढ़ाने के लिए RBI अप्रूवल ले सकता है, उसके बाद में फिर शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेगा और ये फंड बढ़ा सकता है, ठीक है, और यस बैंक में देखो ये एक और था विदेशी का मैंने बताया विदेश का जो करेंसी का ये बिल्कुल ये ट्रांजेक्शन का ये बिल्कुल चल रहा है इनका ऑनलाइन का, और ये बताया था कि निप्पॉन का देखो पैसा चुका है, इसमें दे रखा है यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, 1 मिनट कहाँ, 1 मिनट, चलिए वो दूसरी न्यूज़ में था कि ये इतना उन्होंने चुकाया पैसा और अब ये क्लोजिंग गया, ये भाई इतनी परसेंट टूटा है, और कि ये जो 792 करोड़ रिलायंस निप्पॉन का पैसा चुकाया है, ठीक है, तो उसको चुकाने के बावजूद यस बैंक में गिरावट आई, तो ये अच्छा अचंभा हो रहा है, तो इसका अचंभा का मतलब ये कि यहाँ पे एक बड़ा एक गेम प्लान चल रहा है दोस्तों, गेम प्लान चल रहा है कि यहाँ यस बैंक से गुमराह करके, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यस बैंक से गुमराह करते हैं, जिन्होंने एक दो लोगों ने यहाँ पे मेरे से सवाल किए हैं सर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, तो उन गुमराह करने वालों को देखो मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ आप एक बार ही कमेंट कर पाओगे, दूसरी बात जो भी अनाप सनाप के जो कमेंट करते हैं ना वो एक ही बार कमेंट कर पाएंगे, दोबारा कमेंट करने के लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको मैंने ब्लॉक कर दिया है, अब यहाँ तो दूसरी आईडी बना के कमेंट करें, ठीक है, अब उस आईडी से तो कमेंट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना, तो ऐसे कमेंट आप फिर उनको नुकसान किनको है, उन्हीं को नुकसान है ना कि वो दोबारा कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, सर मैं ये करूँ वो करूँ, कहीं को मैं जवाब देता हूँ एवरेज कर लीजिए यहाँ पे ये इतना निकलेगा इतना चला जाएगा, यानी कि मैं कुछ आपकी हेल्प भी करता हूँ, और आप मेरे से ना सुना आपकी कि वो कर लेते हो गुमराह वगैरह ये करते हो वो करते हो आप वो वे हो, तो ये फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक करने के बाद में आप कमेंट करने के लायक भी नहीं रहते हैं ना, तो ये है कि आप तो अच्छा नहीं लग रहा ना तो देखना, अच्छा ना लग रहा है तो देखना दूसरी जगह जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ यस बैंक के बारे में बहुत अच्छा बताया जा रहा है वहाँ देख लीजिए, ठीक है, बहुत
सारे चैनल्स हैं, मैं तो बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है सर, आपको मुझे पता है क्या क्या बताते हैं सभी यस बैंक के बारे में, आपको देखा है कोई? सभी डरा रहे हैं, ठीक है, और डरा रहे तुम डरे हुए में अभी शामिल हो जाएं और आप आउट हो जाए ना, कौन कह रहा है अभी आप यस बैंक बने रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मान तो आउट हो जाए ना, कौन कह रहा है? हमें फिर चैनल ही में देखो, आउट हो जाइए, आउट होकर आराम से बैठे यस बैंक का तमाशा देखकर अपना लॉस बुक करके बैठ जाइए, और आपका लॉस बुक करने के बाद में क्या यस बैंक आपको दे देगा? यस बैंक आपको दे देगा, मैं कह रहा हूँ आपने एग्जिट कर लिया तो यस बैंक आपका लॉस रिकवर करा के दे देगा, जैसे बने रहेगा तभी तो रिकवर होगा ना, तभी 100 के ऊपर आएगा तभी रिकवर होगा, अब क्या बैठे बैठे 50 पे एग्जिट हो जाओगे आप, तो क्या वापस ये आपको ये रिकवर करके दे देगा? एग्जिट होने से क्या हो जाएगा ये ना? चलिए चलिए दोस्तों, और बचा कितना लोगे? मान लीजिए आप 50 पे एग्जिट होगा तो क्या बचा कितना लोगे आप? क्या ये वापस जीरो थोड़ी हो जाएगा? जीरो जीरो थोड़ी हो जाएगा यस बैंक? यस बैंक ये बड़ा बड़ा प्राइवेट बैंक है, ये अभी इसका जो मार्जिन ये इसका जो कैपिटल बढ़ाने के प्लान चल रहा है, बहुत सारे इसको जो विदेशी इसको ऑफर कर रहे हैं, विदेशी बड़े बड़े फर्म इसको ऑफर कर रहे हैं, तो ये क्या छोटा बैंक थोड़ी है? ये छोटा बैंक थोड़ी है कि बैंक महाराष्ट्र है जो छोटा बैंक वही चल रहा है, वो अभी 12 रुपये पे क्या वो बंद हो गया? आयु भी चल रहा है क्या वो 10 रुपये वो क्या बंद हो गया? लेकिन उसकी जो उसका जो फंड है, उसका जो मार्जिन है, उसका वो इतना ही है, और उसकी जो उसका वॉल्यूम है, उसका जो प्राइस उसको वहीं से सेटल कर रखा है, ठीक है, वो प्राइस उसको 10 से 40 या 10 से 5 से 40 के बीच में सेटल कर रखा है, पांच से दो चार सालों में 5 से 40 10 से 40 के बीच में घूमता रहता है, ठीक है। ये बैंक का जो पहले भी 50 से इसने 1800 टच किया है, ध्यान है 50 40 50 1800 2000 को भी इसने टच किया है, तो इसका ये कैपेसिटी है कि वापस ये इसको जम जम मारता हुआ आपको ये 200 300 400 500 हो सके तो आगे आने वाले दिनों में अगर इसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो ये वापस से 1000 प्लस 1800 प्लस दिखा सकता है। ये एक दिन की बात थोड़ी कि एक दिन में सरसों हथेली में सरसों उग जाती है, ठीक है। तो लेवल्स के मैच होने के पश्चात यहाँ पे जल कर चला था मारुति का शेयर, आपने देखा मारुति कहाँ से कहाँ चला गया था? मारुति अभी यही 100 के नीचे के ट्रेड कर रहा था, 10000 प्लस गया। आईसर मोटर 300 रुपये ट्रेड कर रहा था, 38000 चला गया था। टाइटन का देखा, टाइटन 3 रुपये पे चला था, टाइटन ठीक है 3 पे चला था, कहाँ उसने 1300 प्लस दिखा दिया। तो ये मतलब देखो धीरे धीरे ग्रोथ होती है, अच्छे अगर अच्छी कंपनी होती है ना वो ग्रोथ पकड़ लेती है, ऐसा नहीं है कि अब चलिए आप सोचो ये इस बैंक वापस ऊपर गया 1800 गया तो वापस इसमें नीचे आया, नीचे से वापस इसका यूटर्न भी होता है, कंपनी इस पर वर्क कर रही है, थोड़ी कंपनी छोड़ के थोड़ी चल गई है, तो ये आरकॉम थोड़ी है कि यह कंपनी फेल ही हो गई है भाई साहब, यहाँ पे कंपनी डूब गई है आरकॉम के, तो क्या उसमें सीडीएम में जो सिम चलती तो बंदी हो गई है? यस बैंक है, यस बैंक देखिए कौन से यस बैंक की ब्रांच देखिए, बंद देखिए क्या काम तो चल रहा है ना यस बैंक का, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती है। और दूसरी बात है कि आपको बता दें बैंक कभी नहीं डूबता है, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, देखो बैंक कभी नहीं डूबता है, यहाँ पे अफवाह भी चल रही है कि ये IOB देना बैंक फलाना बैंक ये बैंक बंद हो जाएंगे। देखो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र जो एक बैंक है उसमें देखो RBI ने एक बैन लगा दिया है उस पर, क्यों डेली कोई भी जो कस्टमर है डेली उसमें 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, अपना पैसा भी नहीं निकाल सकते, 1000 रुपये डेली का निकाल सकते हैं और उसमें जमा भी नहीं करा सकते हैं, यानी कि अब उसमें थोड़ा सा 6 महीने तक बैन लगा दिया सिर्फ एक बैंक के ऊपर, लेकिन डूबेगा नहीं वो बैंक भी, उसका पैसा सारा दिया जाएगा, और जो भी बैंक को देना बैंक है अगर वो देखो उसमें बैंक को थोड़ा मर्जर हो गया, ठीक है, उसके क्या देना बैंक का शेयर चल रहा भी नहीं चल रहा ना, लेकिन देना बैंक डूबा नहीं, देना बैंक का शेयर का शिफ्ट किसमें कर दिया अब बैंक को बड़ोदा में। इसी प्रकार यस बैंक अगर बंद हो जाता है तो RBI इस बैंक के जो शेयर होल्डर हैं, जो अपन शेयर होल्डर हैं, इसका फायदा जिस भी बैंक में ट्रांसफर करेगी उसको उसमें दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बैंक कभी बंद, बैंक का पैसा कभी नहीं डूबता है, ये आप मेरे ये नोट कर लीजिए, आप बैंक का पैसा कभी नहीं डूबता है, और कंपनी का पैसा डूब सकता है, जैसे कि ज्वेलर्स मान लीजिए अभी वो गीतांजलि जेम्स था वो चला गया, डूबा सकती है, क्योंकि वो उसमें RBI से टर्म ही नहीं है उसका, ऐसी कोई कौशल कंपनी की, देखो वो उसका अभी चल रहा है कुछ पॉइंटम चल रहा है, ठीक है, ऐसी वो छोटी बहुत सारी कंपनी जेड ग्रुप में कंपनी चल रही है, लेकिन उनका पैसा है ना वो देखो एक डूबने के कगार के आसपास आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे भी उनका पैसा दिला देती है, डूबता नहीं फिर भी दिला देती है, लेकिन उनका पैसा शिफ्ट नहीं करती दूसरी कंपनी के अंदर, लेकिन बैंक का पैसा दूसरी जगह जिस बैंक में मर्डर होता है वहाँ से पिक कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, ज़्यादा बातें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वही बात होगी, गुमराह करने वाले लोगों को लगता है कुछ लोगों को कि गुमराह कर रहे हैं, तो आप गुमराह के शिकार ना हो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये मार्केट में अगर आप हो तो गुमराह के शिकार ना हो, चाहे वो SS मार्केट न्यूज की तरफ से हो, चाहे किसी भी तरफ से हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र हो, फ्री है यानी कि देश आज़ाद है, तो आप यानी कि गुमराह ना हो ना, अब गुमराह शिकार हो, अपना विवेक अपना जो दिमाग है वो काम में लें, और जो गुमराह कर रहे हैं उनसे दूर रहें, चाहे वो SS मार्केट न्यूज हो, तो गुमराह में आपको कर रहा हूँ तो थोड़ा दूर रहें, बच के रहना चाहिए ना। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा समय बता दूँ, लास्ट वाला मैं दे दूँ, देखो यस बैंक अगर बाउंड पॉइंट 50 को तोड़ेगा, डबल बॉटम से मारा है, थोड़ा सा 50 की रेंज के आसपास बाउंड 50 को तोड़ेगा, 50 के आसपास जा सकता है, लेकिन सेलिंग कॉल नहीं दूंगा मैं, ठीक है, एवरेज करें, अगर 50 का आता तो इसमें एवरेज करें, और वापस ये चकमा देखिए बाउंड पॉइंट 50 को ब्रेक कर भी हो सकता है, ना जाए तो वापस चकमा देखिए ऊपर आ सकता है, क्योंकि इसका ये ओवरऑल ऊपर उठने की बहुत ही जल्दी फास्ट कोशिश कर सकता है, दिखा रहा है इसका सही, अरे जल्दी मतलब एक ही दिन में सारा खेल खत्म दिखा देगा, सारा खेल कर देगा एक ही दिन में, बाकी आपको मैं थोड़ा समय दिखा देता हूँ आज। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे जो आज मैंने 10 कॉल दी थी जिसमें से 8 कॉल 100% सक्सेसफुल, एक कॉल में स्टॉप लॉस और एक कॉल में 1/4 स्टॉप लॉस, यानी कि आपको 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था, उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट पहले एग्जिट करवा के वहाँ से सेल देकर उसको रिकवर करवा दिया। चलिए अभी कौन कौन सी कॉल थी, क्या था क्या नहीं था, आपको अभी आपको सारा बता देते हैं, ये थोड़ा सा बने रहें।
और देखो यहाँ पे दो लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो देखो मार्केट काम अच्छा होता है ना, तो ज्वाइनिंग यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो पैसा आना चाहिए, एसएस मार्केट न्यूज़ के साथ काम कर लीजिए, कहीं काम कर लीजिए, जब तक आप अपना अगर मेरी ये मैंने 10 कॉल दिए, अगर 8 कॉल सक्सेसफुल है, दो कॉल नहीं सिर्फ 1.25 कॉल अनसक्सेसफुल है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट कमाया है लोगों ने, सभी ने प्रॉफिट कमाया है, हो सकता है एक दो ने नहीं कमाया हो, देखो एक ही कॉल पे जो कॉल स्टॉप लॉस आया उसी पर काम किया, तो कैसे कमाएंगे बाकी 8 कॉल छोड़ देते हो। तो ये मैं कह रहा हूँ अगर एसएस मार्केट न्यूज़ पे दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे जो जिस प्रकार एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे कॉल में डेली देता हूँ, अगर उसी कॉल पे अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाए ना, तो मैं एक गारंटी के साथ करूँ, वो खुद मन से करके किसी भी ट्रेडिंग कंपनी के साथ मिलकर और कहीं जहाँ आप वो इंटरनेशनल लेवल काम करके देख लें, वो नहीं कमा पाएंगे प्रॉफिट। क्यों नहीं कमा पाएंगे? क्या वो मार्केट से पैसा आपको उठा के दे देंगे? काम तो भी करना ही पड़ेगा, ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। अब ट्रेड में आप अगर 10 सक्सेसफुल ट्रेड हो रहा है जिसमें से मान लीजिए 2 स्टॉप लॉस है, 2 ही कॉल पर काम करोगे, तो 8 तो छोड़ दिया आपने, तो दूसरी जगह पर जाओगे। तो यही अगर इसी प्रकार आपको मान लीजिए काम रहेगा और आप इसी प्रकार के काम के बावजूद यानी अच्छे काम के बाद लॉस करेंगे, तो जिंदगी में आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। जैसे आप बड़े से बड़े एक दिग्गज प्लेयर को लिए इंटरनेशनल लेवल के आप ट्रेडिंग यहाँ देखिए मेरा वो कॉल आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा से यहाँ पे एंट्री की है वीडियो में। तो यस देखो एक्सिस बैंक का टारगेट 100% सक्सेसफुल, कोटक बैंक 100% सक्सेसफुल, कोटक बैंक अगेन 100% सक्सेसफुल, हिंदुस्तान पेट्रोलिंग 100% सक्सेसफुल, बीपीसीएल का 100% सक्सेसफुल, अदानी पोर्ट का सेल का टारगेट, अदानी पोर्ट का बाय, ये वो था जो अदानी पोर्ट का जो मैंने 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, इसको मैंने 2.12 कटवाया और फिर सेल का दे दिया, तो वो सेल का यहाँ पे टारगेट सक्सेसफुल। आईसीआईसीआई बैंक का 100% सक्सेसफुल, फेडरल बैंक का 100% सक्सेसफुल, यस बैंक का स्टॉप लॉस जो कि मैंने आपको यस बैंक का स्टॉप लॉस रिकवर करवा दिया, बीपीसीएल में यहाँ पे देखो मैंने कॉल लिख भी दिया था कि यस बैंक के बदले, ये देखो ये वाला 1 मिनट ये देखो जो टीम के मारा उसमें देखो 1:45 यस बैंक स्टॉप लॉस के बदले बीपीसीएल बाय वो 469.30 और टारगेट 473, तो 473.40 गया, 4 पॉइंट का पूरा पूरा यहाँ पे टारगेट सक्सेसफुल गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो गया तो ऐसा नहीं है कि वहाँ चलो ठीक है लोग हो गया तो गया ठीक और नहीं करवाएंगे। यहाँ पे सारी कॉल तो सक्सेसफुल थी, लेकिन मैंने इसका यानी कि जो लॉस हुआ है एक भी कॉल में उसका देखो लिखा है मैंने बावजूद यस बैंक के बदले स्टॉप लॉस के बदले ये कॉल पकड़ लीजिए, ये 4 पॉइंट का स्टॉप, ये पहला एक पहला टारगेट 4 पॉइंट का था, यानी कि बड़ा टारगेट दिया क्योंकि जो मतलब अच्छा खासा रिकॉर्ड करवाना था आपको, रिकॉर्ड करवा दिया एक झटके में, ठीक है। और उसके अलावा देखो ये जो अदानी पोर्ट का 2 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो अदानी पोर्ट का मैंने नीचे फिर 3 रुपये का टारगेट आपको दे दिया, तो वो अदानी पोर्ट में रिकॉर्ड करवा दिया, ठीक है। फिर उसके अलावा अब चलिए ये तो रिकॉर्ड हो गया, उसके अलावा आप देखिए ऐसे एक्सिस बैंक, कोटक बैंक अगेन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल में गया, अदानी पोर्ट में गया, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, ये देखिए आपको कॉल दिखाते हैं कितने बजे कॉल गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ना देखो मैं यहाँ पे अब छुपा भी सकता हूँ, यस बैंक का स्टॉप लॉस नहीं है, तो ये मतलब ऐसा है थोड़ी है कि यहाँ पे छुपा लो गुमराह वो कभी आपको गुमराह करूँ ना, यहाँ मैं छुपा सकता हूँ काम को छुपा सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे देखो, लेकिन मैं यहाँ पे काम ट्रू काम दिखाते हैं, डेली काम दिखाते हैं, देखो रिकवर करवा देते हैं साथ के साथ, रिकवर करवाते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है रिकवर करवा दिया, सारी कॉल आपको दिखा देता हूँ आज के मैं। देखो यस बैंक का मैंने भाई का सुबह एक कॉल दिया था, ठीक है, वो मैच हुआ था, उसके बाद में ये हुआ था, अदानी पोर्ट का देखो मैंने दिया था, अदानी पोर्ट का भी देखो आप देखना, देख इंडसइंड बैंक का दिया रिजेक्ट हो गया था, मेरे लेवल नहीं आया था, जीएल का दिया था ये रिजेक्ट हो गया, लेवल नहीं आया, अब देखते जाए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दिया था ये कॉल भी, उसके बाद ये कॉल भी सक्सेसफुल हुई, और दूसरी कॉल ये कॉल के बाद में 285 और बाय दिया गया वो भी सक्सेसफुल हुई, ठीक है। एक्सिस बैंक का देख सकते हैं 700 से दिया था, लेकिन उस दोबारा से मैंने एक्सिस बैंक का 699 से दे दिया था, वो सक्सेसफुल हुई है। कोटक बैंक का देख सकते हैं आप कहाँ से दिया था, देखो पूरे टारगेट आए हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक का देख सकते हैं आप 1144 435 प्लस लिया था, ठीक है। फेडरल बैंक का फेडरल बैंक का टारगेट मैंने कम करवा दिया था, अदानी पोर्ट का देखो स्टॉप लॉस मैंने कम करवा दिया, अदानी पोर्ट को देखो सेल दे दी मैंने 11:48 पे, देखो ट्रू सच है। और फेडरल बैंक आपको दिखा दे, फेडरल बैंक का कहां देखो अब उसका टारगेट मैंने कम कर दिया था। कोटक बैंक का देखो अगेन, कोटक बैंक टारगेट आने के बाद दोबारा से मैंने वो दिया है और दोबारा भी इसका टारगेट आया है। एक्सिस बैंक का देखो न्यू कॉल दे दी मैंने 698.95 से और 701 का टारगेट 702.3 तक दिया गया था, ठीक है। और यस बैंक का देखो दोबारा से अगर यस बैंक का एक कॉल मैंने दी थी 12:17 पे, तो 12:56.10 को एनएससी, देखो मैं सारे जो कॉल देता हूँ एनएससी में, बीएससी का चार्ट नहीं देता, एनएससी चार्ट देता हूँ, तो 56.10 के ऊपर यस बैंक निकलेगा तो अच्छा खासा मोमेंट आएगा, लेकिन इसने 56.10 को टच किया इसके ऊपर नहीं निकला, ठीक है। और अभी फेडरल देखो, यहाँ पे फेडरल बैंक देखो, फेडरल बैंक फर्स्ट टारगेट 93.70 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नजर आ रहा है 93.70 पे, इसलिए मैंने 93.70 इसका टारगेट रखा, देखो 93.75 ही गया, इसके बाद वापस लौट गया ये। तो ये देखो ये सभी जो दिखता है ना वो आपको दिखा तुरंत करवा देते हैं कि इसके ऊपर टारगेट नहीं जाएंगे। और देखो अदानी पोर्ट का था वो टारगेट इसका स्टॉप लॉस था, लेकिन अब बताया 6 रुपये का स्टॉप लॉस, लेकिन 2 रुपये पहले आपको कटवा दिया, अब नीचे आने वाला है तो आपको उसमें प्रॉफिट करवा दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दोबारा दी मैंने 1:34 पे, देखो 285 प्लस गया, देखिए 3 रुपये का टारगेट, देखो यस बैंक बदली ये कॉल दी मैंने आपको। दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिखाया जाता है ट्रू सच दिखाया जाता है, ये सारा दिखाई दे रहा ना आपको, एक एक टाइम फ्रेम मिला लीजिए। और जो भी अगर आप जो व्हाट्सएप जो क्लाइंट है आपके टच में है, तो उनसे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कि मैं किस प्रकार यहाँ पे जो दिखाया तो ट्रू है या मतलब रॉन्ग है। अगर दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों वीडियो भी अच्छा लगे तो आप लाइक करके शेयर करें और व्हाट्सएप के माध्यम जुड़ना चाहें दोस्तों, प्रॉफिटेबल वर्क आप पाना चाहें। देखो मैं ये कह रहा हूँ प्रॉफिटेबल वर्क है ना, आप जो काम करेंगे ना और जो पूरी जो एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं तभी मिलेगा। अभी नहीं कि आप चलो ठीक है अब यार एसएस मार्केट न्यूज़ कॉल दे रहे हैं, एक कॉल पर काम कर लेंगे प्रॉफिट कमा लेंगे, एक कॉल पर मैं कहूँ कभी काम मत करना, ऐसे जुड़
जुड़ना ही नहीं है, कुल अगर एक कुल के चक्कर में आए ना तो जुड़ना नहीं है, मार्केट को छोड़ो, घर बैठे आराम करो और ऐस करो, ठीक है, फैमिली को टाइम दो। यहाँ पे एक ये कोई ऐसा नहीं है कि सारी पोल्स पे पेड़ इनकी जो कहना कि पैसों का कोई पेड़ नहीं है, कोई भी एक फल तोड़ लीजिए उसको सारी डाल पर पैसे मिलेंगे, हर डाल पर पैसे नहीं मिलेंगे, कोई कोई डाल टूट भी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वो नहीं है कि प्रत्येक डाल पर अपने फल आएंगे, कुछ कुछ डाल पर फल भी नहीं आते हैं ना, वही है। तो यहाँ पे यही है कि प्रत्येक डाल पे प्रत्येक फूल पे फल नहीं बनता है, कोई फूल खराब भी हो जाता है। तो ऐसा है कि आप ये सोच के आए कि यहाँ सारी कॉल्स पे प्रॉफिट होगा, तो देखो 10 कॉल में से 10 कॉल में भी हो सकता है, 10 कॉल में से लेकिन 8 में 9 में लगभग प्रॉफिट होता है, ठीक है। 8 में जैसे कि 10 कॉल दी आपको तो 8 में प्रॉफिट हुआ, और 2 में भी 2 में पूरा लॉस नहीं हुआ, 2 में भी 1 कॉल में एक में स्टॉप लॉस आया, 1 में तो मैंने पहले ही कटवा दिया, ठीक है। अब लेकिन आप ये सोच के आओगे नहीं है तो यहाँ पे तो पूरी पूरी कोई भी कॉल उठाए प्रॉफिट में आना चाहिए, कोई भी कॉल उठाए प्रॉफिट में आना चाहिए, तो फिर क्या होगा मार्केट का, मार्केट के पागल है जो आपको सारी कॉल पर प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। फिर भी यहाँ देखो जो एक्यूरेसी यहाँ पे जो आप सामने 99% के समथिंग एक्यूरेसी है, और इसके अलावा इससे बेटर आपको एक्यूरेसी जहाँ लगे, इससे बेटर एक्यूरेसी जहाँ आपको लगे वहाँ आप काम कर सकते हैं, जहाँ आपको लगे वहाँ आप काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।